सब मेरे भाई हैं तकरीबन, आप जो लोग हैं, अब आप जन साहब ने जो मेरे बारे में कहा वो ऐसी बात तो नहीं है, आप मेरे सब हम उम्र हैं। और सच्ची बात है, मैं यहाँ बैठा अपना बचपन सोच रहा हूँ आपको देखकर ना, और मुझे अपना बचपन याद आ गया है। और कोई अल्फाज नहीं है आपके पास आकर, सच्ची बात है मेरे यहाँ पर जितना सुकून आया ना, ये अख्तर भाई ने जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, मैं हमेशा इनका जिंदगी भर शुक्र गुजार रहूंगा। मुझे नहीं पता था कि इतना सुकून मेरे करीब बसता है कहीं, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सका। जो मैं यहाँ तक आया लेट, उसके लिए बहुत माजरत। अब रही, अब तो आपसे मुलाकातें रहेंगी इंशाल्लाह। आप जो है ना, आप अल्लाह की शान है हकीकत में। किसी को कोई मान होता है, कोई हमारा ये है, किसी को मान होता है कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई मां है, कोई बाप है। अल्लामा इकबाल कहता है, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवन, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहता है जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ लेता ना, तो ये सारे बुत टूट जाते हैं। कोई किसी, ये सब दुनिया झूठी, किसी का कोई मां नहीं है, कोई बाप नहीं है, सब सारे वहमो गुमान के बुत हैं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह जब पढ़ लेता है ना, तो अल्लाह ताला ये दिखा रहा है कि देखो मैं अपना निजाम आज भी चला रहा हूँ। कोई कहता कि शायद मैं अपने वालिदैन की वजह से, कोई कहता है मैं अपने बहन भाइयों की वजह से इस माशरे में इज्जतदार हूँ, कोई कहता है मैं पता नहीं अपने दोस्तों की वजह से इज्जतदार हूँ, कोई अकराबा और रिश्तेदार और जनाब बड़े ताल्लुकात की वजह से इज्जतदार हूँ। लेकिन हमारे नजदीक तो देखो, अगर ऐसी बात होती तो हम लोग आपके पास आके फख्र महसूस ना कर रहे होते। आप तो इज्जतदार हैं, यानी कि अल्लाह का निजाम वैसे ही चल रहा है, अल्लाह की हिकमत कुदरत वैसे ही चल रही है, उसने अपना निजाम वैसे ही फितरती तौर पर बनाया हुआ है। ये देखो, आपसे मिलकर सच्ची बात है, इतनी खुशी किसी से मिलकर कभी नहीं हुई, आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई है। और आप यहाँ बस रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके लिए बहुत ख्याल रखना है अपने बड़ों का। वो जो आपको बात बता रहे हैं, वो जो आपको डांट रहे हैं, वो किसी बात से समझा रहे हैं, आपका मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं। आप और मैं उस माशरे में जीते हैं जिसमें लोग हंसतों के साथ हंसते हैं और रोतों पर हंसते हैं, और आपने ऐसा माशरे में बनकर नहीं जाना। आपने, आप माशरे का बहुत अहम तरीन हिस्सा हो। लोग जिनको समझते हैं कि हमने इनको बड़े नाजो नेम और बड़े आला तालीम से किया है, बारह मन किया और उनको पढ़ाया है और उनको लेकर गए हैं और उस मकाम पर लेकर गए हैं, वो सारे फारिग हैं। सच्ची बात है, आप वो लोग, आप अखलाक सीख रहे हो, आप सारी चीजें सीख रहे हो, आपने बड़े अच्छे से जाना है। कोई ये ना कहे कि इस इदारे से यार बच्चे निकल कर आए हैं और इस जगह से निकल कर आए हैं, उन्होंने तो जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं, जिंदगी मतलब जाया कर आए हैं। आपने इस इदारे का भी नाम रोशन करना है, जो आपको माँ बाप की तरह अपने अंदर रखे हुए हैं, समाये हुए हैं। बड़ा मुश्किल काम है, सच्ची बात है, किसी के साथ ऐसे चलना और फिर बच्चों को लेकर चलना। आपने इसका एहसानमंद रहना है, और ये आपके एहसानमंद इस तरह है कि आपने सारी चीजों को बड़े अच्छे से जिंदगी में आगे लेकर चलना है, ठीक है। और लोगों को बताना है कि जो मतलब अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, ठीक है। सच्ची बात है, ये सारी चीजें, ये सारे रिश्ते, ये सारे बुत टूट जाते हैं। आपने वो बुत, उसकी हकीकत आपकी शक्लों में मौजूद है कि आप लोग इस मुआशरे में जी रहे हो और इतनी खूबसूरती से और इतने ऐसे अंदाज से, इससे ज्यादा तरबियत याफ्ता बच्चे तो मैंने नहीं देखे इतनी उम्र में। आपको सही बात है, इससे ज्यादा तरबियत याफ्ता बच्चे आप हमारे साथ का ताज हो। हम आपसे मिलते रहेंगे, बैठते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हर मौके पर आपसे मिलेंगे। आज मेरे पास सच्ची बात है कहने को कोई अल्फाज नहीं है और कोई ऐसी बातें नहीं है, बस ये इतनी सी बात है कि अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और जो आप खिदमत कर रहे हैं उनको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल कर, और जो भी आपके पास आता है, जो भी आपके लिए कुछ भी करता है, वो तालीम हो, सेहत हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी, उसके लिए आप दुआ जरूर किया करें। और आपकी दुआओं की सबसे ज्यादा अगर जरूरत है ना, तो हमें आपकी सबसे ज्यादा दुआओं की अगर मैं समझता हूँ जरूरत है, तो वो हमें, आपने हमारे लिए दुआएं कर